तो दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आपसे एक बार नए मुकाबले के साथ। और ये मुकाबला आपको देखने वाला है BAW वर्सेस TGS के बीच में मुकाबला होने वाला है। और आप सभी को यहाँ पर प्लेइंग इलेवन की बात कर दें तो सबसे यहाँ पर बर्ना एटीट्यूड वॉरियर्स की बात कर लें, उनके यहाँ पर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। प्लेइंग इलेवन के कौन कौन सी प्लेइंग इलेवन के साथ कौन से प्लेयर होने वाले हैं उसकी हम बात करें। जैविन बेंजमिन की बात कीजिए जो कि कप्तान है इस टीम के, वो होने वाले हैं। विकेट कीपर की बात की जाए मार्विन मैथ्यू और क्रेंटी असलिम है, असलेंस हमारे साथ जूनियर हेनरी जुड़ने वाले हैं, जोसन एगन जुड़ने वाले हैं, डोरी लाइपूल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, डायलोन टाइसन, जेलनी जोसेफ, एरविन ब्रोटोन, अल्विनशोन, जोली सर्विन लेबसरिस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इस तरीके से बनना वॉरियर्स में इस तरीके से प्लेइंग इलेवन होने वाली है। वहीं पर हम टीटू गोर्जेस स्पेल्सर्स की बात करें तो उनकी प्लेइंग इलेवन किस तरीके से होने वाली है उसकी हम तो यहाँ पर बात कर लें। जालनी रेबिशन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कि कप्तान है इस टीम के। विकेट कीपर की बात कीजिए मलकाई एक्सवीर हमारे साथ इस टीम में होने वाले हैं विकेट कीपर के रूप में। वहीं पर सैंडेल रेंगिस होने वाले हैं, जूनियर जेलवीर होने वाले हैं, टेजी टेजी तनवीर होने वाले हैं, करलमल हिमिल्टन होने वाले हैं, एडमुंड मिरिकिस होने वाले हैं, कैसमिन प्लिटर होने वाले हैं, जोहन मैथ्यू होने वाले हैं, नीलिया पियान होने वाले हैं, वहीं पर सेलमिन केल्सर होने वाले हैं। इस टीम में प्लेइंग इलेवन इस तरीके से होने वाली है। वहीं पर अगर हम पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर मारे दोस्तों इस लीग की जो कि ISL का है, ये 29वां मुकाबला है। सबसे ऊपर यहाँ पर CRD बनी हुई है और दूसरे में वैली हाइकर्स बनी हुई है जो कि 10 पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। वहीं पर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए और 10 मुकाबलों में से यहाँ पर 5 जीती है 5 हारी है। वही हैकर्स वहीं पर 9 मुकाबले खेलकर CRD 7 मुकाबले यहाँ पर जीती है, 2 मुकाबले मात्र हारी है। वहीं पर ऐसे यार VAW की बात की जाए मतलब आज जिसका मुकाबला है TGS और वॉरियर्स के बीच में, स्पेल्सर्स और वॉरियर्स के बीच मुकाबला है, वो 9 मुकाबले खेल चुके हैं और वॉरियर्स 5 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हारी है। वहीं पर हम बात करें TGS की तो 9 मुकाबले खेलकर 3 जीती है और 6 मुकाबले हारी है, माइनस में इसके पॉइंट्स चलते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। और सबसे लास्ट में यहाँ पर IRR के मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें जैसे ही टॉस होता है आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टॉस के रिगार्डिंग। टॉस अभी फिलहाल हुआ नहीं है दोस्तों, अगर आप सब टॉस का इंतजार कर रहे हैं तो टॉस यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आए। टॉस अभी दोस्त हुआ नहीं है, रोहित राणा टॉस अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जितने भी लोग हम सब के साथ जुड़े उनको बता देगी टॉस अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अगर वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, मात्र 17 है, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा, बिल्कुल चलेगा मेरे भाई। टॉस नहीं हुआ अभी मेरे भाई, रवीज पाल अभी टॉस नहीं हुआ है मेरे भाई। टॉस अभी नहीं हुआ है, आपको जैसे ही टॉस होता है आप सभी को इन्फॉर्म हम कर देंगे। ये मुकाबला 29वां मुकाबला है देखने में मिलता है, ड्रीम इलेवन नेचर ISL T10 के बीच में मुकाबला है 2022-23 का। जितने भी लोग ये मुकाबले आजकल देख रहे हैं उनको हम बता दें कि ये काफी ज्यादा रोमांच से भरा हुआ मुकाबला होता है। कभी कभी 3 मुकाबले हमें देखने को मिलते हैं और ज्यादातर 2 मुकाबले होते हैं, 9:30 बजे से 1, 9:30 बजे से उसके बाद 11:30 तक, उसके बाद 12 बजे से रात के 2:30 बजे तक मुकाबला चलता है। टॉस अभी नहीं हुआ मेरे भाई, क्या रेन हो रही है? रेन नहीं हो रही भाई, बारिश नहीं हो रही है, स्पेशल मूवीज बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही है बिल्कुल नहीं, मौसम बिल्कुल साफ है। बारिश पड़ रहा है भाई क्या? बिल्कुल नहीं भाई ऋषु राज, बारिश नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलती है टॉस से रिगार्डिंग तो आपको हम एक बार फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं कहीं से टॉस का इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम आपको बताते हैं। तो फिलहाल अभी टॉस तो नहीं हुआ है। वेंडोरोस और पार्क, रिशु डोमाइका, वेस्ट इंडीज में मुकाबला हमें देखने को मिलता है। ये 29वां मुकाबला, 28वां मुकाबला जो था वो फिलहाल एवेंडेड हो गया था, मुकाबला वो नहीं हुआ, वो मुकाबला रद्द होता हुआ दिखाई दिया था हमें। क्या प्रॉब्लम है भाई, टाइम क्यों आगे बढ़ा रहा है? भाई बता दूं तो कवर्स है मैदान पे, कवर्स है। अभी इससे पहले वाला मुकाबला था उसी ग्राउंड पे ये भी मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन ये है, उसी मैदान पे ये मुकाबला भी हमें देखने को मिलेगा, बट अभी मौसम बिल्कुल साफ है।
मौसम बिल्कुल साफ है दोस्तों, और कवर्स हैं पिच पे, कवर्स हैं मैदान पे, कवर्स देखने को नहीं मिलते, पिच पे कवर जरूर देखने को मिलते हैं हमें। वही हम बता दें कवर्स की, तो इस तरीके से कवर्स आपको कुछ देखने को मिल रहा है अभी, आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके का कवर्स है। मौसम साफ देखने को मिल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, बस कवर्स अभी मैदान से हटे नहीं है, और जैसे ही यहाँ पर मैदान से कवर्स हटते हैं हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे दोस्तों। पिच पे बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, 9:30 बजे यह है कब टॉस होगा। हाँ टॉस नहीं हुआ मेरे भाई, आपने ये देखा अपनी स्क्रीन पे किस तरीके से यहाँ पर मैदान पिच पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कवर्स फिलहाल। अगर आपको यहाँ पर इन टॉस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, टॉस की इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर जब टॉस होगा तो हम आपको बता देंगे टॉस हुआ है, फिलहाल अभी टॉस नहीं हुआ है, अभी टाइम ले रहा है। हम टाइम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, टाइम यहाँ पर बढ़ाया है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि टॉस का टाइम भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं, हमें आगे कर देते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट अगर लेट होता है मुकाबला। सुनो मुझे लगता है कि जल्दी मुकाबला हो जाएगा, 100% नहीं होगा ये मुकाबला, ये मुकाबला 100% होगा, क्योंकि पिच यहाँ पर बारिश हुई थी इसके पहले वाले मुकाबले में, तो 10 मिनट का यहाँ पर और टाइम लिया गया है बार, क्योंकि इस मुकाबले को चालू होने में 10 मिनट का और टाइम हमें लिया गया है। देखते हैं 10 मिनट में ये मुकाबला शुरू होता है कि नहीं, कोई टॉस हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार हम फटाफट से आप सभी के कमेंट पढ़ लेते हैं। सचिन नुहारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टॉस कब होगा? टॉस मुझे लगता है कि 10 मिनट बाद टॉस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर ये मुकाबला तो शुरू होगा, क्योंकि 100% है ये मुकाबला शुरू हमें देखने को मिलेगा। एमडी साकिर की बात कीजिए, मैच कब स्टार्ट होगा भाई? ये मैच 10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं बता देता हूँ, राहुल सिंह 12 बजे का मुकाबला कहाँ पर होगा? बिल्कुल भाई, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, 12 बजे का मुकाबला कहाँ पर होगा। एक सेकंड रुकिए, तो अगला मुकाबला भी दोस्तों जो हमें देखने को मिलेगा, 30वां मुकाबला है, वो भी आपको इसी ग्राउंड पे देखने को मिलेगा दोस्तों, सेम ग्राउंड सेम जगह ये मुकाबला शुरू होगा। मतलब ये मुकाबला तो जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि इसके पहले वाला मुकाबला था वो अबैंडन हो गया था, बारिश के चलते पानी नहीं सूख पाया था, लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया तो यहाँ पर ग्राउंड भी सूख गया है और पिच भी सूखी हुई हमें नजर आएगी। भाई कवर हटा, कवर अभी नहीं हटा भाई, कवर अभी नहीं हटा। भाई कैप्टन किसको बनाए प्लीज बताओ भाई। भाई मैंने मैंने अपना कैप्टन बनाया है, मैंने भी टीम बनाई है, मैं अपना कैप्टन बता दूं मैंने किसे बनाया है। एक मिनट रुकना, मैं अपना खोलता हूँ एक बार, मैं अपना बताता हूँ मैंने कैप्टन किसे बनाया है अपना। भाई मैंने रेविशन को मैंने बनाया है, जे रेविशन को मैंने अपना कैप्टन बनाया है, और हैमिल्टन को यहाँ पर अपना, नहीं, टाइसन को मैंने अपना वाइस कैप्टन बनाया है। रेविशन को मैंने कैप्टन बनाया है, टाइसन को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, पता नहीं मैंने सही बनाया कि नहीं। हमें भी 10 ओवर का हो, क्योंकि आधे घंटे का टाइम रहता है 12 बजे, 12 बजे का मुकाबला शुरू होने, क्योंकि मुकाबला 11:30 बजे खत्म हो जाता है, तो मे भी ये आपको देखने को मिल जाएगा कि 10 ओवर का ही मुकाबला हो। सचिन सचिन भाई अभी कवर्स नहीं हटे हैं, पंजाबी गेमिंग यार ये मैच भी फिक्स है सारे, नहीं फिक्स नहीं है मेरे भाई यार, बस बारिश के चलते। दीपक पदिदार क्या बोला? अरे सुन लो यार, क्या बोला भाई आपका मैच, आपका मैसेज रह गया क्या? हाँ मैच होगा मेरे भाई, दीपक भाई मैच होगा।
हार्दिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग हम सबके साथ जुड़ रहे हैं इस मुकाबले में, दोस्तों सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मुकाबले में। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। मुझे प्लीज़ जवाब देना, एक खेल कहाँ हो रहा है? ये भाई आपको वेस्ट इंडीज़ में मुकाबला है, वेस्ट इंडीज़ से यहाँ पर मुकाबला चलता है। बिल्कुल, वेरी बेस्ट स्टेटस, ये मैच होगा या नहीं? बिल्कुल होगा भाई। दीपक ब्लॉग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैच कब स्टार्ट होगा? मैच में आपको 10 मिनट का और यहाँ पर समय लिया गया है दोस्तों। 10 मिनट बाद ये मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा। टॉस की न्यूज़ भाई, टॉस की न्यूज़, एक सेकंड देना, टॉस की न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। टॉस अभी फिलहाल नहीं हुआ है मेरे भाई, टॉस अभी नहीं हुआ है। आपको इन्फॉर्म कर दूँ तो टॉस अभी नहीं हुआ है। अब पिच की वहीं पर बात की, टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है। मेगा लीग्स टीम्स, हेड टू हेड टीम्स, स्मॉल लीग टीम्स। और पिच की बात की जाए, एवरेज स्कोर यहाँ पर 96 रहता है। और हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं इस पिच के बारे में। स्पिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलने वाली है इस मैदान पे। टॉप प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, बात कीजिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात कीजिए, मैचेस यहाँ पर खेले हैं मिंजीमन ने, जो कि यहाँ पर आज के मुकाबले में वॉरियर्स की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। आपको 21 मैच खेले हैं उन्होंने। और मैच की रन की बात की जाए तो इनकी कितने से रन यहाँ पर मतलब है एवरेज, और 198 की स्ट्राइक रेट इनकी रहती है। रिविशन यहाँ पर, जो कि ये भी नज़र आएंगे टीजीएस के वहाँ पर हमें, वो 20 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 30 के यहाँ पर लगभग हर मुकाबले में 30 रन तो अवश्य लगाते हैं। 171 का स्ट्राइक रेट उनका रहता है। हेनरी की बात की जाए, वो भी आज के मुकाबले में खेल रहे हैं, 9 मुकाबले उन्होंने इस मैदान पर खेले। मैथ्यू 21 मुकाबले खेले हैं इस मैदान पर। बॉलर्स की बात की जाए, बॉलर सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेकन विकेट की बात की जाए तो 8 मैच यहाँ पर जोसिफ ने खेले हैं, तो 11 की इकोनॉमी से यहाँ पर रन देते हैं वो, और लगभग हर एक मैच में मतलब 2 विकेट तो जरूर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर T10 स्टेटस, एवरेज की बात की जाए, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर मतलब 109 रहती है। मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाले को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर किया जाता है कि अच्छे रन बना पाती है पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम। आज देखते हैं टॉस कौन जीतता है, उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से पहले टॉस करने वाली कितने बड़े रन बना पाती है, क्योंकि यहाँ पर अब मदद मिलती है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को। तो दोस्तों, अगर आप सब YouTube के बारे में जानकारी चाहते हो तो दिए गए लिंक है, टेक्निकल राम राठौर के नाम से चैनल है। आप जाके उससे लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाके वीडियोस अगर आप देख सकते हैं, पसंद आए आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आइएगा और कमेंट भी करिएगा वहाँ पर पहुँच के। मैच कैंसिल हो गया? नहीं भाई, मैच कैंसिल नहीं हुआ है। बिल्कुल भाई, राजीव पाल जब मैच होगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे जरूर। फिलहाल यहाँ पर बता दें, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, यहाँ पर टाइम और बढ़ा दिया गया 10 मिनट का। 10 मिनट का समय और यहाँ पर लिया गया है। सूरज कोहली हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई। सूरज कोहली क्या कर सकते हैं भाई, बारिश नहीं चालू भाई, बारिश बिल्कुल नहीं चालू है। स्पेशल मूवीज, बारिश मेरे दोस्तों नहीं चालू है, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दूं, बारिश बिल्कुल नहीं चालू है। बारिश हमें देखने को नहीं मिल रहा है इस मैदान पे। लगता है मैच नहीं होगा भाई लोगों। अब पंकज यादव क्या करे भाई, अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, टाइम तो बार बार आगे बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रहा है। इनको लगता है रेनकोट दे के बारिश का मैच कराना पड़ेगा भाई इनसे, और बॉल को भी रेनकोट पहनाना पड़ेगा। मैच या ग्राउंड पे रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं क्या यार? आप तो बोल रहे थे फिर का भाई, मैं दीपक, मैंने क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी मेरे भाई?
भाई क्या माल, पता नहीं मेरे भाई क्या यहाँ पे चल रहा है भाई। कैप्टन और वाइस कैप्टन का बताओ, मैंने बताया टाइसन और मैंने ओ क्या नाम है उसका, डेविसन को मैंने कैप्टन बनाया है और टाइसन को मैंने वाइस कैप्टन अपना बनाया है। बाकी मेरा आपको नहीं पता कि आप किसी को बनाते हैं। मैच होगा या नहीं, रीज़न क्या है मैच ना होने का, और रीज़न अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आज टीजीएस से मुकाबला जीतेगी अगर मैच होता है तो, क्योंकि यहाँ पर अच्छे, यहाँ पर इनके पास बल्लेबाज हमें देखने को मिलते हैं। आपके हिसाब से कौन जीतेगा भाई? बता दिया फ्री फायर शॉर्ट्स भाई, आप अच्छे हो, अपडेट देते रहिए भाई। अरे भाई क्या करो भाई, इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी तो बिल्कुल अपडेट दूंगा आपको मैं, गलत इन्फॉर्मेशन तो दूंगा नहीं मैं आपको। यार क्या करें, इनको ना कई बार तो इनका स्कोर कार्ड भी सही देखने को नहीं मिलता हमें। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंपायर को आप बहुत अच्छा अपडेट करते हो, बिल्कुल भाई गालियां मत देना बस भाई। इसमें भी बारिश हो रही है क्या? बारिश नहीं हो रही मेरे भाई, अंपायर को टट्टी लग गई है। पता नहीं भाई क्या लग गई अंपायर को। रेगुलर अपडेट देते देते हो, दैट्स गुड। हाँ बिल्कुल भाई, रेगुलर मैं तो रहता हूँ। क्रिकेट चालू होगा या नहीं? बिल्कुल होगा भाई, मैच चालू होगा, क्यों नहीं होगा। किस कंट्री में हो रहा है भाई? वेस्ट इंडीज में हो रहा है मेरे भाई, वेस्ट इंडीज में। कवर हटाने के लिए कोई ग्राउंड पे आया है कि नहीं? फिलहाल ग्राउंड पे अभी कोई नहीं आया मेरे भाई, कवर हटाने के लिए लगता है सब सोच आ गए हैं। भाई मैंने अपनी टीम बनाई है, बिल्कुल बनाई है मैंने अपनी टीम। हिंदी साया लिटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो भाई। पिच ही नहीं सूख रही इनकी 7 बजे से, इतने में ढोटी गर्म हो जाती है। यार क्या जन्म है ये, फिक्सिंग कर ली रोबिशन ने पिच पहले मैच में टीम पास कर था टाइम पास का। बिल्कुल भाई क्या करें भाई, अभी इनके पिच ही नहीं सूख रही है। अब किस तरीके से बताएं इनकी पिच कैसे सूखेगी? अभी लगता है यहाँ से ले जाना पड़ेगा ड्रायर, तो इनका पिच सुखानी पड़ेगी, तब मैच शुरू होगा। टाइम पिच कौन भाई, क्या करें भाई, इनकी पिच नहीं सूख रही है। अभी एक बार ग्राउंड का सीन दिखाओ, ग्राउंड का सीन दिखाऊं भाई? ग्राउंड का सीन तो अभी है नहीं भाई। ग्राउंड का सीन बता दे, ग्राउंड का सीन अभी देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर वो पिच को सुखा रहे हैं भाई। मैच स्टार्ट होने वाला है कि नहीं?
भाई अभी तो टाइम दे रहे हैं कि अभी इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि मुकाबला होगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे को जहां तक लगता है मुकाबला होगा। आज इन्वेस्टमेंट 5,000 किए हैं भाई, मैंने भी किए हैं यार, मैंने भी 49 रुपए किए हैं आज। 20 पर डाल के सुखा दो, क्या कर सकते भाई, इनके पास 20 पर भी नहीं होगा। 70,000 लगा दिए, क्या बात है भाई, इतने ज्यादा पैसे लगा दिए आपने तो। हर्ष हर्ष भाई आपको ही जाना पड़ेगा लगता है यार लेके यहाँ इनके पास 20 पर, कि उनके पास तो है नहीं वो भी। साउथ ईस्ट गेमिंग, हु विल विन, पेस किसके लिए हेल्पफुल होगी, पेसर्स या स्पिनर्स? स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, मैंने अभी पढ़ा था तो स्पिनर्स के लिए स्पीच पे ज्यादा हेल्पफुल मदद मिलने वाली है आज के मुकाबले में। तो अपनी टीम में जो भी बॉलर्स रखेंगे आप तो स्पिनर्स रख सकते हैं। यार मैंने 2.5 लाख लगाया था पहले मैच में, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है कहाँ, फैन कोर्ट पे आप देख सकते हो लाइव 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 मैच। फिलहाल अभी आपको हमारे द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो वो देखने को नहीं मिलेगा। कुमार रुपेश शाउट आउट टू यू ब्रो, सचिन कवर्स हटा या नहीं? अरे भैया मैं इतनी गिनती नहीं यार स्पेशल मूवीज मैं, भैया इसको पढ़ते पढ़ते तो मेरे को सुबह हो जाएगी, इतने कितने अमाउंट कर दिया आपने, कितना पैसा आपके पास? अरे मैंने तो 49 रुपए लगाए हैं यार, मेरे को तो 49 रुपए की टेंशन हो रही है। बताओ मैं 49 रुपए लगा के परेशान हूँ, आपने मुझे इतने ज्यादा पैसे लगा दिए कितने परेशान हो गए? सर कैप्टन किसको बनाया आज? मैंने मैंने भाई रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया है। पिच किसके लिए हेल्पफुल रहेगी, पेसर या स्पिनर? स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी मेरे भाई, कितने भी लगाओ 150 रुपया मिलेगा। मैंने 1 रुपया लगाया यार, मेरा 1 जाएगा, अरे यार मेरा 49 रुपये जाएगा, तुम सब समझ ही नहीं रहो भाई, क्या बताऊं मैं अभी। मैंने 49 रुपये लगाया मैंने यार, और अब इतना बड़ा मुकाबला है। 1.5 लाख, अंकुश अग्रवाल, टेलर लिंक भेजो, टॉस इंडिया जीता है, क्या बात है भाई, टॉस इंडिया जीत गया है। कोई ग्रैंड लीग वाली टीम दे दो, मैंने टीम नहीं बनाया भाई, मैंने तो ऐसी ही अपने लिए टीम बनाई है नॉर्मल, बाकी मैंने 10 लगाया हूँ भाई, 29 लगाया भाई, बिल्कुल भाई मैं 49 वाला लगाया भाई। अमन कुमार इंडिया वन द टॉस, चूज फॉर बैट फर्स्ट, दोस्तों जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैच यहां पर बारिश के कारण डिले हमें देखने को मिल रहा है। एक इन्फॉर्मेशन तो फिलहाल अभी आई है हमारे पास कि मैच बारिश के कारण यहां पर डिले हो रहा है। आप सभी के सामने ये इस इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने आ चुकी है कि बारिश के कारण ही मुकाबला डिले होता हुआ नजर आ रहा है हमें, आप सभी को बता दूं। तो
सब कोई सब्सक्राइब करो। अमन अमन कुमार देखते हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फिलहाल भी बता दें कि बारिश के कारण मुकाबला रुका हुआ है। भाई बता दे किस टाइम शुरू होगा। भाई अभी मेरे को नहीं पता है किस टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पर मैच डिले ड्यू टू रेन हो चुका है। बारिश के कारण मुकाबला लेट होगा। भाई इसमें बॉलिंग कोई भी कर सकता है, कभी भी कोई सा भी। यहाँ पर विकेट कीपर है वो तो यार, रविशन विकेट कीपर है मेरे भाई, बॉलिंग नहीं करेगा वो। कॉमेडी वीडियोस, उमरान आजमी हमारे साथ जुड़ चुके, जितने भी लोग हम सबके साथ जुड़े दोस्तों सभी का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर बता दें कि बारिश के कारण ये मुकाबला थोड़ा यहाँ पर लेट होने का। रियान ऑफिसर हमारे साथ जुटे, आज कोई मैच नहीं होगा। होगा मेरे भाई रियान ऑफिसर, देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन कैंसिल की नहीं देखने को मिल रही है हमें। अगर कैंसिल होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सुभजीत सेन मैच कब स्टार्ट होगा? मैच अभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मैच डिले टू रेन बारिश के कारण मुकाबला रुका हुआ है। लेकिन अभी बता दें, इन्फॉर्मेशन दे दें कि एक बार हम चलते हैं मैदान की तरफ, देखते हैं कोई और यहाँ पर पिक मैदान पिक्चर यहाँ पर मैदान पे हमें देखने को मिलती है, किस तरह की मैदान पे पिक्चर रहने वाली है। अगर मिलती है तो हम आपको ले लेके आते हैं।
तो दोस्तों बात करूं मैं, यहाँ पे मैदान एकदम से क्लियर हो गया है, मैदान साफ हो गया है। यहाँ पे मैच हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे एकदम से मैदान आपको दिख ही रहा होगा और यहाँ पे प्लेयर भी कुछ दिख रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, तो यहाँ पे मैच हो भी सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैच हो भी सकता है। और देखना है कि कितने टाइम में अपडेट देते हैं और क्या है। मैंने आपको फील्ड का स्क्रीनशॉट दिया है, इसमें आपको नजारा दिख भी रहा होगा कि बंदे यहाँ पे प्ले प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और दो एम्पायर भी मैदान पे आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूँ जैसे ही वो मैदान पे आते हैं और मैदान पे आ रहे हैं दोनों एम्पायर। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मैच का क्या होना है क्या नहीं। तो 2 से 4 मिनट में आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। मैं एम्पायर दिखा देता हूँ आते हुए, तो देख सकते हैं एम्पायर दोनों आ रहे हैं मैदान में और उसी के बाद आपको डिसाइड होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बिल्कुल मैदान से आते हुए आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिया है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि दोनों एम्पायर मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखते हैं कब तक। और क्या, और थोड़ा हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ चुका है, टीजीएस ने टॉस जीता है, वो पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों मैच भी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे टॉस हो चुका है। तो काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार खत्म हुआ और यहाँ पे मैच। तो देख सकते हो दोस्तों दोस्तों टीजीएस ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पे कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी खुशखबरी है आपके लिए कि यहाँ पे मैच आखिरी स्टार्ट होने ही वाला है। नहीं बिल्कुल, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, 2 से 3 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे पूरे प्लेयर आपको मैदान में नजर आते हुए आ गए हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैदान में सभी प्लेयर्स आ चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैदान में प्लेयर सारे आ चुके हैं और कुछ ही देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, प्लेइंग 11 भी आपको नजर आ जाएगी, तो प्लेइंग 11 भी आ चुकी है।
तो दोस्तों आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैच ही स्टार्ट हो चुका है। और ये दूसरी वाली टीम भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे दूसरी भी टीम आ चुकी है। तो दूसरी भी टीम आप देख सकते हो, और दोनों टीमें आ चुकी है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दी है वो स्टार्ट होने में, और सेकंड यहाँ पे चल रही हैं, तो 47 सेकंड बची हैं। 45, 44, 43, 42, 42, तो इस तरह से काउंटिंग चल रही है, और मैच कुछ ही देर में स्टार्ट। और दोस्तों अभी मैच कितने ओवर का है ये थोड़ा सा अभी बताना मुश्किल है, और देख लेंगे कितने में ओवर का ये मैच होने वाला है। और फिलहाल बात करें तो अभी 10:10:20 पे स्टार्ट हो रहा है ये मैच, तो 12 बजे दूसरा मैच होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ओवर कम करेंगे, यानी 7 या 8 ओवर का मैच हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अपडेट अभी दिया नहीं है, और जैसे ही अपडेट आएगा कि कितने ओवर का मैच है, तो वो आपके साथ जरूर हम साया करेंगे और आपको बताएंगे कि कितने ओवर का ये मैच है। फिलहाल यहाँ पे पहला बॉल फेंकने के लिए तैयार है, तो पहली बॉल और पहला डॉट, तो टीजीएस ने पहला अपना बॉल खेला है, और पहली बॉल डॉट देखने को मिली है। एंसल्म आए हैं बॉलिंग के लिए, और रॉबिन्सन आए हैं बैटिंग के लिए, और यहाँ पे एक जबरदस्त शॉट विकेट कीपर के सर के ऊपर से सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे बॉल पर चौका आता हुआ एक जबरदस्त शॉट। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे मैच तो आपको दिख ही गया हो गया, मैच स्टार्ट हो चुका है, और स्कोर भी आप थोड़ी देर में देख पाओगे। यहाँ पे दूसरी बॉल विकेट कीपर से भी निकल गई है, और ये जब तक फील्ड कर पाते तब तक 2 या 3 रन ले लेंगे। देख लेते हैं कितने रन लिए हैं भाग करके। यहाँ पे 22 रन मिलेंगे कुछ। तो अभी स्कोर जैसे ही अपडेट होगा आपको मिल जाएगा स्कोर अपडेट। फिलहाल स्कोर अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए फिलहाल 1 ही रन लिया है शायद, बिल्कुल 5 रन हो चुके हैं। पहले ओवर की 3 बॉल हो चुकी हैं, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे स्कोर बिल्कुल पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करें तो पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है चौके के साथ, और 1 बाई का रन आया है। चलिए फिलहाल ओवर की ये चौथी बॉल, चौथी बॉल पर हल्के हाथों से खेला सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं, तो एक और डॉट बॉल निकलती हुई। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम पहले मैच में भी आपके साथ जुड़े थे, लेकिन वो मैच कारण किसी कारण बस नहीं हो पाया था बारिश की वजह से, लेकिन ये मैच आपको पूरा देखने को मिलेगा। चलिए ओवर की ये लास्ट बॉल, और इस बार उठा दिया है, सामने फील्डर है, मात्र 1 रन मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के टीजीएस का स्कोर। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं आया कि कितने ओवर का मैच होगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ओवर कम होंगे। तो देख लेते हैं कि कब तक ये अपडेट करते हैं कि यहाँ पे 10 ओवर का पूरा मैच कराएंगे या 8 का। 8 ओवर का तो मैक्सिमम मिनिमम होगा ही होगा 8 ओवर का, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। 9:30 बजे का टाइम था, तो 9:10:20 पर स्टार्ट हो गया था मैच, तो 2-2 ओवर का कट हो सकता है अगर, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे से दूसरा मैच भी स्टार्ट होगा, तो उस तरह से ये टाइम दिया गया है कि 12 बजे से पहले ये मैच खत्म करेंगे। चलिए फिलहाल ओवर का ये मैच का दूसरा ओवर फेंकने के लिए अब तैयार हैं। देखते हैं कौन से बॉलर आने वाले हैं यहाँ पे दूसरा ओवर लेकर के। बॉटन आए, नया ओवर लेकर के।
एटमॉस्फेयर सामना करेंगे। 3 बॉल खेल करके 1 रन बना करके खेल रहे हैं और अब सामना करेंगे दूसरे ओवर की पहली बॉल का। वॉर्टन फेंकने के लिए तैयार है अपनी पहली बॉल, और पहली बॉल पर उठा करके मारना चाहते थे लेकिन फिर मिस हुए। और यहाँ पे रन आउट का चांस हो सकता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हिट नहीं लगी तो इसलिए थोड़ा सा बच गए। तो 1 रन ले लिया है, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के टीजीएस का स्कोर। और टीजीएस ने आज पहले टॉस जीत करके बैटिंग करने का निर्णय लिया है। और टीजीएस और बीएडब्ल्यू की बात करें तो बीएडब्ल्यू 20 पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है और वहीं टीजीएस 12 पॉइंट के साथ पांचवें स्थान पर है। 9 मैच में से 3 जीती है, 6 हारी है। वहीं बीएडब्ल्यू की बात करें तो 5 मैच जीती है और 4 हारी है। तो आज देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, तो वो तो सामने आ ही जाएगा। और फिलहाल एक और सिंगल आता हुआ इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। चलिए ओवर की ये तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं वॉर्टन और सामने, और इस बार आगे बढ़ करके खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं मिलेगा आपको तीसरी बॉल पर। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल इसको। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, चैनल का मैंने आपको दे दिया है डिस्प्ले में। तो 2343 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 2400 जल्दी जल्दी से कर दीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बिल्कुल 2400 में थोड़े से कम है, 14 सब्सक्राइबर। तो जल्दी जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइबर वाला बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए, तो 2400 सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो और फिलहाल मैच की बात करें तो चलिए एक जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए निकाल दिया है। तो इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीजीएस का स्कोर। तो दोस्तों 13 सब्सक्राइबर और दूर हैं, तो जल्दी जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी से दबा लीजिए जिससे 2400 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सब्सक्राइबर। तो जल्दी जल्दी से देखो कौन कौन दबाते हैं। चलिए फिलहाल तीसरा ओवर कौन लेकर के आने वाले हैं देख लेते हैं। तो 2 ओवरों की बात कर ले तो यहाँ पे 13 रन देखने को मिले हैं और एक एक्स्ट्रा रन शामिल है। तो जोली आए हैं नया बॉलर के रूप में और पहली बॉल पर हल्के हाथों से खेला है मिस फील्ड के चलते हैं। और यहाँ पे दो दो फील्डर पीछे भाग रहे हैं लेकिन यहाँ पर रोक पाते हैं, तब तक 2 रन कंप्लीट कर लिए।
तो इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के पीजीएस का स्कोर। चलिए इस बार बैक कवर की तरफ निकाल दिया है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद तो सिर्फ एक ही रन मिलेगा। तो एक और रन आता हुआ इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर आपका 16 रन। तो उसको इसको सब्सक्राइब की बात करें तो 87 पर अभी भी टिके हुआ है। तो सही है, 9-8 सब्सक्राइबर और दूर है। जैसे ही 8 सब्सक्राइबर दूर होते हैं हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिलहाल स्कोर की बात करें तो 16 रन हो चुके हैं और इस बार काफी जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, और इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन बिना किसी नुकसान के टीजीएस का। चलिए दोस्तों बैक टू बैक 6 रन और एक और जबरदस्त शॉट इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। मेरा फोन यार उधर से फोन फोन उधर केवल। तो दोस्तों 28 रन हो चुके हैं, 2 लगातार 6 रन। चलिए इस बार तो हल्के हाथों से खेला है, सिर्फ एक ही रन मिलेगा 1 रन कंप्लीट करते हुए। और रोबिंसन काफी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, 21 रन पर पहुंच चुके हैं, 2 चौके 2 छक्के की मदद से मात्र 9 10 बॉल का शायद सामना किया है, 9 बॉल का सामना किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँ, यहाँ पे 8-8 ओवर का मैच है ये देखने को मिलने वाला है आपको। तो 8-8 मैच का ये ओवर होगा और देख लेते हैं, 3 ओवर हो चुके हैं और 5 ओवर और देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर हम दूर हैं और 2400 होने में 1 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो और लगातार ये 2 6 रन देखने को मिले दोस्तों आपको। और यहीं पे स्कोर की बात करूं तो मैं 42 रन हो चुके हैं, एक वाइट और है 2 6 के बाद, और इस बार फिर से उठा दिया है और वही एक जबरदस्त शॉट और एक और 6 रन।
तो लगातार 3-6 रन देखने को मिले हैं, लगातार 3-6, एक बीच में वाइट हुई और उसके चलते यहाँ पे स्कोर की बात करें तो 48 रन हो चुके हैं। एक काफी बढ़िया मुकाबला ये चलता हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 4 बॉल में 20 रन आ चुके हैं इस ओवर से, और अब देख लेते हैं आगे 2 बॉल और किस तरह से जाती है। फिलहाल रॉबिन्सन की बात करें तो 40 रन पर पहुंच चुके हैं, इन्होंने भी एक जबरदस्त शॉट दिया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही रन मिलेगा। इसी सिंगल के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं टीजीएस के 3.5 ओवर में, और अभी तक कोई विकेट नहीं देखने को मिला है। रॉबिन्सन की बात करें तो 14 बॉल पर और 40 रन बना करके खेल रहे हैं, उनके में 5 छक्के और 2 चौके देखने को मिले हैं, और इस बार फिर एक और चौका जोड़ लीजिए उनके खाते में, तो इसी के साथ 54 रन देखने को मिल जाते हैं। 54 रन हो चुके हैं और उनका निजी स्कोर 44 रन हो चुका है दोस्तों, मात्र 15 बॉल का सामना किया है, 5 चौके छक्के और 3 चौके। तो आज ये काफी फॉर्म में नजर आते हुए रॉबिन्सन की बात करें तो ये 292 रन लगा चुके इस टूर्नामेंट में और तीसरे स्थान पर हैं, और पॉप 310 पर हैं, वहीं पे रीफ डेवर्स 357 पे पहले नंबर पर बने हुए हैं, तो ये 292 रन बना करके तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। चलिए, एक इस ओवर से डॉट बॉल देखने को मिली, तो फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बिना किसी नुकसान के। तो इस पिछले ओवर की इस ओवर की बात करें तो 25 रन हमें देखने को मिले हैं, 25 रन आए, 3 चौके और 3 छक्के और 1 चौका, 1 वाइड। चलिए, तो टाइसन आए हैं नए बैट बॉलर के रूप में, तो पहली बॉल डॉट फेंक दी उन्होंने, दूसरी बॉल और दूसरी बॉल फिर से एम्पायर का इशारा वाइड कराएगा, तो एक और अतिरिक्त रन आता हुआ, तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन बिना किसी नुकसान के 4-1 पर। तो दोस्तों, 8-8 ओवर का ये गेम है और 4 ओवर 1 बॉल हो चुकी है, तो 4 ओवर पूरे अभी और बाकी हैं, और देख लेते हैं 4 ओवर। तो चलिए, फिर ओवर की दूसरी बॉल दोबारा से फेंकेंगे और दूसरी ओवर पे खेल दिया है, लेकिन इस बार फील्डर है मौजूद है और यहाँ पर रन आउट का भी चांस हो सकता था, लेकिन रन आउट नहीं हुआ है, 1 रन कंप्लीट कर लिया उन्होंने। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर आप बात करें तो 56 रन हो चुका है 4-2 पर। तो चलिए दोस्तों, ओवर की तीसरी बॉल फिर से फेंकने के लिए तैयार है टाइसन, और इस बार फिर निकाल दिया है, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद होते हुए 1 ही रन मिलेगा, तो 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन बिना किसी नुकसान के 4-3 पर। फिलहाल टीजीएस का स्कोर, टीजीएस ने आज टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है, तो आज कम ओवर का मैच है, तो उसी हिसाब से अपना बैटिंग कर रही है और रन बना रही है, अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। और रॉबिन्सन की बात करें तो 16 पे 45 रन बना करके खेले हैं, और इस बार कैच भी हो सकता है, लेकिन मिस फील्ड के चलते यहाँ पे चौका मिलेगा। चलिए, एक और चौका देखने को मिला है, तो इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इसका 61 रन बिना किसी नुकसान के 4-5। तो अपने आप को बचाते हुए ये शॉट लगा, लेकिन सीधा सीमा रेखा के बाहर गया,
कोई फील्डर मौजूद नहीं था तो कैच भी हो सकता था। चलिए फिर से टाइसन फिर से अपना ओवर की 5वीं बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं और वहीं सामना करेंगे हैं एक्सवियर। और बियर की बात करें तो 12 बॉल में सिर्फ 11 रन बना करके खेल रहे हैं। और चलिए फिलहाल एक और डॉट बॉल, काफी बढ़िया बॉलिंग इनके द्वारा, टाइसन के द्वारा, क्योंकि इससे पिछले ओवर की बात करें तो 25 रन आए थे उस ओवर में और इस ओवर में 5 बॉल में अभी तक 7 रन देखने को मिले हैं। कोई अभी तक एक बाउंड्री देखने को मिली है और देख लेते हैं लास्ट बॉल पर भी बाउंड्री लगाने के लिए जाएंगे या नहीं। बिल्कुल लगा दिया है, लेकिन कितनी दूर है ये? काफी दूर है, काफी लंबा छक्का। लास्ट बॉल पर छक, 6 रन, तो इसी 6 रन के साथ 67 रन देखने को मिल जाते हैं। तो टीजीएस काफी अच्छी बैटिंग करती हुई नजर आ रही है और दोनों बैट्समैनों चौके छक्के से बात कर रहे हैं। तो चलिए लास्ट बॉल पर 6 रन देखने को मिले, तो इस ओवर से भी 13 रन आपको देखने को मिल गए। तो इसी बात पर 5 ओवर हो चुके हैं और 67 रन बिना किसी नुकसान के टीजीएस का स्कोर। और फिलहाल स्कोर की दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाले हर मैच की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। और तो 12 बजे का भी मैच आपको देखने को मिलने वाले हैं इसी चैनल पर, तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और देखते हैं। तो 2404 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और देख लेते हैं 2410 सब्सक्राइब होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला और 2410 सब्सक्राइबर कर दीजिए। चलिए एक और 6 रन, एक और 6 रन, जबरदस्त शॉट। काफी दूर था तो इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन बिना किसी नुकसान के। और एक और जबरदस्त शॉट और ये भी जाएगा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 5-3 पर। चलिए दोस्तों, जो 2 सब्सक्राइबर दूर हैं 2410 होने में, तो जल्दी जल्दी से 2 सब्सक्राइब और बटन दबाइए और फिर हम कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री की बात करें तो यहाँ पे स्कोर काफी अच्छा खड़ा कर दिया है डीजीएस ने, 80 रन हो चुके हैं और 5 ओवर 4 बॉल ही हुई हैं अभी तक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, चलिए 2410 पूरे हो चुके हैं, 2412, 2413, बिल्कुल 13 हो चुके हैं, 2413। और यहाँ पे एक और जबरदस्त विकेट कैच आउट के रूप में, एक बढ़िया कैच देखने को मिला है दोस्तों। तो ये देख लेते हैं कौन सा विकेट गिरा गिरा है और किसका विकेट गिरा है यहाँ पे, और उनका अर्धशतक से थोड़ा सा दूर रह गए 46 रन पर ही। नहीं, वो तो अभी हैं 46 रन वाले अभी मौजूद हैं और जो गए हैं वो
मलाइकाई एक्चुअरियर आए हैं, गए हैं आउट होकर के, और फिलहाल एक और जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए। विकेट जाने के बाद भी काफी बढ़िया बैटिंग शुरुआत जसवीर ने कर दी है आते ही अपने चौके के साथ। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 84 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए फिलहाल देखते हैं, तीसरा ओवर टाइसन फिर से आए अपना वो दूसरा ओवर लेकर के, यानी टीम का ये 7वां ओवर स्टार्ट हो चुका है। तो पहली बॉल डॉट निकलती ही तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 1 ओवर 5 बॉल बची हैं, तो ये 8-8 ओवर का मैच था। तो देखना होगा कि क्या, चलिए ओवर की है दूसरी बॉल, और दूसरी बॉल पर उठा दिया है थर्ड मैन की इंतजाम है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। एक रिवर्स स्वीप देखने को मिला 6 रन के लिए, तो शायद उनकी 50 पूरी कर ली है। तो बिल्कुल दोस्तों 52 रन पहुंच चुके हैं, 19 बॉल का सामना किया है, 6 छक्के और 3 चौके देखने को मिले हैं। तो इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर पीजीएस का स्कोर। तो फिलहाल ये तीसरी बॉल, और लेकिन इस बार का संपर्क सही नहीं हुआ है, नीचे फील्डर है, बिल्कुल कैच आउट, रॉबिन्सन को कैच आउट करार दिया गया है टाइसन के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, काफी अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन बैट और बल्ले का सही से संपर्क नहीं हुआ, तो मिड विकेट की तरफ खड़े प्लेयर के सीधे हाथों में और दूसरा विकेट गिरता हुआ दोस्तों। चलिए फिलहाल 6 ओवर 3 बॉल पर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीजीएस का स्कोर। और रोबिसन की तारीफ करनी होगी यहाँ पे, और अपना काम करके गए हैं 20 ओवर में 52 रन बना करके, काफी अच्छी बैटिंग करके गए हैं। रेजिस आए नए बैट्समैन के रूप में, और रेजिस आगे बढ़ करके मारा है लेकिन यहाँ पे देखना हुआ कहाँ गई है, तो सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए शायद, बिल्कुल 4 रन के लिए गई है। तो इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीजीएस का स्कोर। और 8 बॉल का गेम और देखने को मिलने वाला है, 8 बॉल में देखते हैं 100 के पार तो निकल ही जाएगा स्कोर। और चलिए तो दोस्तों फिर से फेंकने के लिए तैयार है टाइसन अपना 5वें बॉल दूसरे ओवर का। वो इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई है 4 रन के लिए, तो एम्पायर का इशारा वाइट +4, तो 5 रन मिलेंगे। काफी ऊंची थी तो एम्पायर के सर के ऊपर से निकल विकेट कीपर के सर के ऊपर से निकल गई, तो यहाँ पे वाइट +4 रन देखने को मिले। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6-4 पर। तो दोस्तों ये तो पूरे 10 ओवर में नहीं बढ़ता था स्कोर, आज उन्होंने सिर्फ 7 ओवर में 6 ओवर 4 बॉल में 99 रन पर पहुंचा दिया है, तो 100 रन से ऊपर देखने को मिलने वाला है। और ये आगे बढ़ करके मारा है, काफी दूर तो नहीं है लेकिन नीचे फील्डर है, और यहाँ पे कैच ड्रॉप, बिल्कुल आसान एक कैच ले सकते थे लेकिन यहाँ पर ड्रॉप किया है। तो इस ओवर में दूसरा विकेट भी देखने को मिल जाता लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप किया है, लेकिन 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए हैं, तो 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन
विकेट के नुकसान पर। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 रन या 2 लिए हैं, वहां पे तो 2 रन दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से 1 ओवर और देखने को मिलने वाला है। तो 1 ओवर और देख लेते हैं। यहाँ 7वां ओवर जारी है, 7वें ओवर की लास्ट बॉल है। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम 2450 पे जा कर के रुकेंगे, तो 2450 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए हमारे आज के। तो देख लेते हैं कितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं और कितने लोग हमें सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं। फिलहाल 2416 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और यहाँ पे 12 बजे का भी मैच है। आपको इसी तरह से हिंदी कमेंट्री के साथ देखने को और सुनने को मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो 2450 कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हमें अभी बात करूँ मैं तो अभी 160-170 लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे चैनल को जल्दी जल्दी से बटन दबा दीजिए। 18 हो चुके हैं, चलिए 20 हो गए। तो 20-30 सब्सक्राइबर और दूर है, क्योंकि 170-180 लोग हमें देख रहे हैं फिलहाल। तो चलिए, फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन देखने को मिले। तो 1 ओवर और होने वाला है, 1 ओवर और देख लेते हैं। तो 1 ओवर में कितने रन और आते हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबाते रहिए, तो जिससे कि 2450 सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे हमें आज। और इसके बाद आपको 12 बजे वाला भी मैच देखने को मिलने वाला है। 12 बजे का भी मैच हम इसी तरह से लाइव हिंदी कमेंट्री के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो फिलहाल पहली बॉल डॉट, चलिए तो डॉट के साथ 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पे 2222 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 2422 तो 28 सब्सक्राइबर दूर हैं, और हमें अभी बात करूँ मैं तो काफ़ी लोग हमें अभी देख रहे हैं। और एक और जबरदस्त शॉट देखने को मिला है दोस्तों। तो 6 रन के लिए तीसरी बॉल पर 6 रन आता हुआ, तो इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 7-3 पर। तो ये अभी 3 बॉल और देखने को मिलने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का सब्सक्राइबर वाला बटन दबा के रखिए जल्दी जल्दी से। तो अभी 3 बॉल और देखने को, और एक और जबरदस्त शॉट, बैक टू बैक 6 रन, एक काफी लंबा छक्का। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी 2 बॉल और बाकी है इस इनिंग की, और देखते हैं 113 रन हो चुके हैं, और देख लेते हैं कितने लोगों ने सब्सक्राइब वाला बटन दबाया है। और फिलहाल अभी तक किसी ने नहीं दबाया है 220 के बाद। तो यहाँ पे 30 सब्सक्राइबर और होने हैं, तो जल्दी जल्दी से दबाइए। 100-200 लोग हमें देख रहे हैं इस टाइम। और एक और जबरदस्त शॉट 4 रन के लिए, एक और जबरदस्त शॉट इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन। और फिलहाल ये ओवर की लास्ट बॉल, लास्ट बॉल पर हल्के हाथों से खेला है, मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए। दो दो फील्डर पीछे भाग रहे हैं और यहाँ पे रोकने में नाकाम, तीन तीन फील्डरों से ये चौका निकला था। चलिए, फिलहाल ओवर की ये लास्ट बॉल। तो इस ओवर से बात करें तो 17 रन आ चुके हैं, और 1 बॉल और बाकी है। और इस 1 बॉल पर ये ओ वाइट का इशारा कर दिया है एम्पायर ने। तो चलिए, एक और ओवर बॉल फिर से फेंकनी होगी, तो वाइट का इशारा एम्पायर का। तो ये बॉल दोबारा से फेंकने के लिए फिर से तैयार हो रहेंगे असलम, जो कि 1 ओवर 5 बॉल में 23 रन दे चुके हैं। और इसी ओवर की बात करें तो 18 रन तो इसी ओवर में दिए हैं। चलिए, ये ओवर की लास्ट बॉल, और ये विकेट, लास्ट बॉल पर विकेट।
सीधे किल्ली को टच करती हुई निकल गई बॉल, तो यहाँ पे तीसरा विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा विकेट। तो दोस्तों यहाँ पे जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइबर वाला बटन दबाइए, और 2450 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए अभी भी, और दूसरी इनिंग में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इनिंग आपकी समाप्त हो चुकी है। तो पहली इनिंग ब्रेक होने के बाद टीम के स्कोर की बात करें तो और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट के इस मैच में पूरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो आप किसने कितने रन बनाए और किसने कितना विकेट लिया, वो सारा इस मैच का लेखा जोखा आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको सेकेंड इनिंग कुछ ही देर में आपको देखने को मिलने वाली है यहीं पे, तो बने रहिए हमारे साथ तो और कहीं नहीं जाइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। और मिलते हैं आपको 5 मिनट के अंदर, तब तक आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद।
हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जितने भी लोग हम सबके साथ जुड़े, फिलहाल 1.3 गेंद हो चुकी है और 18 रन हो चुके हैं व्हाइट गेज के अनुसार अंपायर का। मैथ्यू यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए और ब्रिंजमैन यहाँ पर आए हैं ओपनिंग करने। तो फिलहाल हम बता दें, मैथ्यू 6 गेंदों का सामना करके 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं ब्रिंजमैन की बात की जाए, 3 गेंदों का सामना करके 6 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पाइंट की बात की जाए तो अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं, 3 गेंद फेंकी अपने पहले ओवर की। टीम का स्कोर की बात की जाए, एक और वाइट हमें देखने को मिली इस ओवर में, लगातार 2 वाइट और 20 रन होता हुआ इसी के साथ 51 गेंदों पर 99 रनों की आवश्यकता है। काफी ज्यादा बड़ा लक्ष्य यहाँ पर हमें देखने को मिला टीजेएस के द्वारा, जिस तरीके से इन्होंने बल्लेबाजी की, काफी शानदार बल्लेबाजी करके इतना बड़ा स्कोर 120 रनों का यहाँ पर लक्ष्य खड़ा किया है। इसी बीच में एक बेहतरीन चौका जाते हुए सीमा रखी के बाहर 6 रनों के लिए दोस्तों, इसी के साथ टीम का स्कोर 26 रन होता हुआ। गेंद तो अच्छी थी लेकिन उससे ज्यादा अच्छा बल्ले से संपर्क गेंद का पहुंचाया सीमा रखी के बाहर 6 रनों के लिए। 16 रन पे पहुंच चुके हैं मैथ्यू 7 गेंदों का सामना करके मात्र। अब जीत के लिए चाहिए 50 गेंदों पे 93 रनों की आवश्यकता है। ओवर की 5वीं गेंद, बेहतरीन शॉट, स्टेट ड्राइव, पीछे फील्डर काफी अच्छी यहाँ पर पैरों से रोका गेंद को, 2 रन लेने से नहीं रोक सकते। लेकिन लेकिन मात्र 1 रन भागेंगे, इसी के साथ 27 रन टीम का स्कोर 1.5 गेंद के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया। ओवर की आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, 27 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और एक और वाइट का इशारा अंपायर का देखने को मिलेगा हमें दोस्तों। एक और बार एक गेंद फेंकनी पड़ेगी, इसमें हम बात की जाए 1, 2, 3, 4 वाइट फेंक चुके हैं। टीम का स्कोर 28 रन 1.5 गेंदों के बाद, 119 रनों की आवश्यकता है। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाए हमें टीजेएस के बल्लेबाजों ने। रिवीजन की बात की जाए खासकर उनकी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और यॉर्कर लेंथ गेंद और फ्लिक कर दिया है, काफी अच्छी प्रयास लेकिन रोकने में असफल रहे। सीमा रखे के बाहर चौका जाते हुए 4 रन बटोरेंगे इस शॉट के साथ अपने। ब्रिंजमैन 32 रन पे पहुंच चुके हैं, मात्र 2 ओवर यहां पर हुए हैं अभी तक। फ्लिक शॉट किया लेकिन प्रयास अच्छा किया फील्डर ने और गेंद को रोक भी लिया। जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको ऐसी लाइव हिंदी कमेंट्री सुनने को देखने को मिलने वाली है दोस्तों। खूब पेलो, बिल्कुल भाई बिल्कुल पे लेंगे भाई, टेंशन ना लो आप। 32 रन हो चुके हैं ओवर की, तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता है। पाए लेके आए हैं दूसरा ओवर और पहली गेंद पे स्वागत किया है इनका 6 रनों से, बेहतरीन छक्का सीमा रखे के बाहर 6 रनों के लिए मैथ्यू के द्वारा। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है दोस्तों। 6 रन सीमा रखे के बाहर, तो 2.1 गेंद के बाद 38 रन टीम का स्कोर। ओवर की दूसरी गेंद, स्पिन बॉलर और एक और चौका,
लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका में अथुके बल्ले से हमें देखने को मिलता है। 10 गेंदों पे 27 रन पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर तवनीर आए हैं बॉलिंग करने, स्पिन बॉलर हैं। ज्यादा यहाँ पर स्पिन हुई लेकिन उसको समझ के और काफी समझदारी दिखाते हुए बॉल को यहाँ पर लॉन्ग के ऊपर खेला है। लॉन्ग के पास कोई फील्डर मौजूद नहीं था तो बॉल गई सीमा रेखा के पास 4 रनों के लिए। 42 रन इसी के साथ टीम का स्कोर हो जाता है। 2.2 गेंदों के बाद 46 गेंदों पे 77 रनों की आवश्यकता है। और इस तरीके से यहाँ पर वारिस बल्लेबाजी करती रहेगी तो ये मुकाबला जीत जाएगी। इस बार स्वीप शॉट, एक और चौका जा सकता है लेकिन काफी बेहतरीन फील्डिंग। ओ क्या बात है, बहुत ज्यादा शानदार फील्डिंग हमें देखने को मिली दोस्तों। पहली नजर में लगा कि ये पूरा 4 रन बटोर लिए हैं अपनी टीम के लिए लेकिन क्या एंट्री मारी उन्होंने, घसीटते हुए गेंद को रोका और अपनी टीम के लिए 2 रन तो निश्चित ही बचाए हैं। ओहो मिस हुए, लगातार बड़े शॉट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 2.4 गेंद हो चुकी हैं, टीम का स्कोर 44 रन। ओ एज लगा, बल्ले का एज लगा, विकेट में यहां पर मिली है पहला झटका लगते हुए। 44 रनों पे मैथ्यू वापस जाते हुए 29 रन बनाकर पेविलियन की तरफ विकेट निकाल लिया है। क्या बात है भाई, बहुत शानदार यहाँ पर कैच। मारना चाहते थे ये लेकिन अक्रॉस द लाइन, लेकिन बल्ले का एज लग के विकेट कीपर ने कैच पकड़ा और वापस भेज दिया यहाँ पर मैथ्यू को पेविलियन की तरफ। 13 गेंद का सामना करके 29 रन बनाकर वापस लौट चुके हैं पेविलियन की तरफ। काफी शानदार बल्लेबाजी, 223 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखाया है उन्होंने अपनी टीम के लिए। यही जरूरत है, इसी तरीके से बल्लेबाजी की हमें जरूरत है दोस्तों। ये टू जेड गेमिंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी भाई लोग हम सबके साथ जुड़े उनका, करण चौंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। ओवर की आखिरी गेंद है और इस टाइप में मौजूद रहेंगे नए बल्लेबाज हमारे हेनरी, और पहली गेंद का सामना करेंगे इस इनिंग का। ओ हल्के आसपास को डिफेंस किया है और 1 रन चुराएंगे दोस्तों। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 45 रन 15 की स्ट्राइक रेट से लगभग चलते हुए नजर आ रहे हैं। हेनरी वापस से स्ट्राइक में मौजूद रहेंगे अगले ओवर में, हमें देखने को मिलेंगे हेनरी। और वहीं पर 42 गेंदों की बात की जाए तो 74 रनों की आवश्यकता है। रविशन 52 रन बनाए हैं और मैक्सवीर ने 29 रन बनाए हैं और जयवीर ने 20 रन बनाया है। और ईगल्स की बात की जाए 6 रन बनाकर उन्होंने खेला है। और वहीं पर विकेट्स की बात की जाए, टाइसन ने 1 विकेट लिया है, जोली ने 1 विकेट लिया है, ब्रूटोन ने विकेट नहीं लिया आज के मुकाबले में, और असलीम ने 1 विकेट लिया है उन्होंने। मतलब यहाँ पर सभी का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला। 118 रन का बनाए थे, 119 रनों का लक्ष्य यहाँ पर दिया है, मात्र 3 विकेट गिरा पाई थी 8 ओवरों में। तो क्या लगता है दोस्तों, ये मुकाबला जीत पाएगी कि नहीं? हम आपको रन रेट बता दें, रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 14.6 की रिक्वायर्ड रन रेट है। 30 गेंदों पे 74 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। ओ शुभ शॉट खेला है काफी ज्यादा ऊपर और जाके स्कोर बोर्ड के ऊपर गेंद लगी, बहुत ज्यादा लंबा छक्का हमें देखने को मिला है दोस्तों। क्या बात है, नए बल्लेबाज आए हैं वो भी रुकने वाले नहीं है दोस्तों। आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभ शॉट खेला है, 6 रन बटोरे अपने शॉट से। इसी के साथ टीम का स्कोर 51 रन 29 गेंदों पे 68 रनों की आवश्यकता है।
3.3 गेंद के बाद टीम का स्कोर 53 रन। एक्सपी आए हैं गेंदबाजी करने, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी भी की थी, 29 रनों का यहाँ पर अपना योगदान दिया था। वहीं पर दोस्तों बात कीजिए, आपको भी ऐसी यूट्यूब के यहाँ पर नॉलेज चाहिए, यूट्यूब की वीडियोस देखना है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर हम टेक यहाँ पर सीख सकते हैं, यूट्यूब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, और पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके आना। तो जाइए फटाफट से कमेंट सेक्शन के, उसमें लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए। इसी बीच में हमें चौका देखने को मिलता है, बेहतरीन चौका हेनरी के बल्ले से। टीम का स्कोर 57 रन 3.5 गेंदों के बाद। क्या बेहतरीन यहाँ पर शॉट मारा है, इसी के बीच में 25 गेंदों पे 62 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। और दोनों ही बल्लेबाज अगर इस तरीके से टिक जाएंगे, मिंजमन और हेनरी, तो काफी ज्यादा योगदान अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। काफी पीछे फील्डर मौजूद है, मात्र 1 रन मिलेगा इस शॉट के साथ। स्ट्राइक रोटेट होगी दोस्तों, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 58 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। BAW का वॉरियर्स का तो क्या लगता है दोस्तों, आज का ये मुकाबला कौन जीतने वाला? काफी ज्यादा क्लोज मुकाबला हमें देखने को मिलता है। 15 की रिक्वायर्ड रन रेट है यहाँ पर। आप सभी को ये मुकाबला और पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए, चोली है, लाइट पूल है, देखते हैं आने वाले बल्लेबाजी कौन से होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर एक्सपी विकेट ले जाते हैं तो काफी यहाँ पर मदद मिलेगी। 36 बात की 24 गेंदों पे 61 रनों की आवश्यकता है। राउंड द विकेट यहाँ पर बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओ काफी अच्छा यहाँ पर गेंद, हैमिल्टन आए हैं पहला ओवर लेके अपने। यहाँ पर एक विकेट की जरूरत है दोस्तों, एक विकेट की जरूरत हमें टीजीएस को देखने को मिल रही है। अगर एक विकेट और निकाल ले जाते हैं यहाँ पर तो काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया तो। और रिवर्स स्वीप और बॉल गई है 1 बाउंस, देखते हैं कंफर्म करेंगे अंपायर। और 6 रन गई है दोस्तों, 6 रन बटोरे अपने शॉट के साथ। रिवर्स स्वीप खेला है ब्रिंजमन ने, छोटे कद के हमें नजर आते हैं, लेकिन जो शॉट सेलेक्शन है वो बड़े कद का हमें देखने को मिलता है। क्या बात है, 357 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। 22 गेंदों पे 54 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। ओवर की तीसरी गेंद, ओ काफी ज्यादा दूर शॉट, एक और छक्का। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के जाते हुए ब्रिंजमन ने क्या शॉट यहां पर लगाया है दोस्तों, बेहतरीन शॉट। और यहां पर बात की जाए हैमिल्टन को, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अभी 358 छक्के लग चुके हैं, 71 रन टीम का स्कोर हो चुका है, मात्र 1 विकेट गिरे हैं अभी तक। और 4.3 गेंद हो चुकी है, 21 गेंदों पर 48 रनों की आवश्यकता है। अब ज्यादा दूर नहीं रह चुके हैं जीत से, मैच मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो दोस्तों, टीजे से मुकाबला जीत सकती है आराम से। 2 गेंदों पर 2 छक्के खा चुके हैं अभी तक हैमिल्टन। ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार है, स्ट्राइक पे ब्रिंजमन मौजूद है, 23 रन बनाकर खेले, 7 गेंदों का मात्र सामना किया। और एक और शॉट हवे में गई है, क्या पीछे फील्डर मौजूद है? ओ कैच की तरफ गए हैं कि नहीं, या 1 बाउंस पकड़ा है गेंद को, 1 बाउंस गेंद को पकड़ा है, मात्र 1 रन मिलेगा, सिंगल चुराया है। और हेनरी स्ट्राइक पे आएंगे दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ओ हो, डॉट गेंद, क्या बात है, 72 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 4.5 गेंदों के बाद। ओवर की आखिरी गेंद हैमिल्टन की, और स्ट्राइक पे मौजूद है हेनरी, और एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 72 रन। दोस्तों यहां से 3 ओवर बचता है, अब 18 गेंदों पे 47 रनों की आवश्यकता है, जो कि ज्यादा मुश्किल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपको ऐसी लाइव हिंदी कमेंट्री सुनने को और देखने को मिलेगी दोस्तों। अठारह गेंदों पे 47 रनों की आवश्यकता है। आपको ऐसी अगर कमेंट्री आने वाले मैचेस में भी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी तक। वो छठा ओवर स्टार्ट हो चुका है और पहली गेंद को घसीट के मारा है 4 रनों के लिए सीम रखे बाहर। ग्रीन्समैन ने क्या बल्लेबाजी की है, 28 रन पे पहुंच चुके मात्र 9 गेंदों पे, 76 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 5.1 गेंद के बाद। क्या गेंद थी, लेकिन उससे शानदार बल्लेबाजी हमें नजर आई है। क्या बात है वॉरियर्स, टीजस ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, लेकिन अब बॉलिंग में इनका वो प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए। और सेम जगह सेम स्पॉट चुना है चौके के लिए, लगातार 2 गेंदे पे 2 चौके लग चुके हैं। टीम का स्कोर 80 रन होता हुआ 5.2 गेंदों के बाद 16 गेंदों पे 39 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। क्या गेंद है, 5.3 गेंदों के बाद टीम का स्कोर यहां पर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पे हमें देखने को मिलता है। करर रन रेट की बात की जाए 14.55 ही करर रन रेट है। एक्सपीर यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ओ काफी शानदार गेंदबाजी। इनको रविशन को हेलमेट पहन लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये काफी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो ओवर की पटकी हुई गेंद थी, उछाल हवा में गेंद है और 6 रन बटोरेंगे। क्या बात है, ब्रिंजमन का एक और बेहतरीन छक्का, 38 रन मात्र 13 गेंदों पे। क्या बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मेरे ब्रिंजमन, काफी अच्छी यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन यहां पर एक विकेट निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से शुभ शॉट खेला है दोस्तों। अगले ओवर में ब्रिंजमन स्ट्राइक पे मौजूद रहेंगे। तो 39 रन में पहुंच चुके हैं और आप सभी को ऐसी कमेंट भी सुनना है लगातार, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम यहाँ पर ऋतिक डायर की बात की जाओ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। विकट, हाँ एक विकट तो लेना पड़ेगा दोस्तों। लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो। छठा ओवर यहाँ 7वां ओवर शुरू होता हुआ हैमिल्टन आए हैं ओवर लेके 6.1 गेंद के बाद टीम का स्कोर 87 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 12 गेंदों पे 32 रनों की आवश्यकता है। बाहर की गेंद को घसीटा है और ढकेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, मात्र 1 रन मिलेगा। 6.2 गेंदों के बाद टीम का स्कोर 88 रन। ये ओवर अच्छे से निकालना पड़ेगा हैमिल्टन को, क्योंकि पहले ओवर काफी ज्यादा महंगे साबित हो गए थे, लेकिन इस गेंद को संभालना पड़ेगा अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अगर ये मुकाबला बचाना है तो। काफी स्टेट रहा है, पीछे फील्डर मौजूद है, पहुंच गए थे। एक और सिंगल इस गेंद पे, 89 रन 1 विकेट के नुकसान पे 6.3 गेंदों के बाद ब्रिंजमन वापस से स्ट्राइक पे आ चुके हैं। 16 गेंदों पे 40 रन बनाकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 9 गेंदों पे 30 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। अब 9 गेंदों पे 30 रनों की आवश्यकता है। ओवर की चौथी गेंद, बॉल हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद है, अगर पार कर जाती है तो 6 रन जाएंगे। जी बिल्कुल, 6 रन बटोरे अपने इस शॉट के साथ ब्रिंजमन ने, और 46 रन पे पहुंच चुके हैं मात्र 17 गेंदों पे। काफी ज्यादा महंगे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हैमिल्टन। इस तरीके से अगर छक्के चौके खाएंगे
तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस टीम के लिए कि मुकाबला में वापसी कर पाना। अब 8 गेंदों पे 24 रनों की आवश्यकता है। अगर वो 24 रन के लक्ष्य पे पहुंचना है दोस्तों, तो इनको विकेट निकालना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बिगर विकेट के मुकाबला तो जीत नहीं सकते हैं। तो विकेट निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने। बात की जाए तो 6.5 गेंदों के बाद 96 रन टीम का स्कोर हमें देखने को मिलता है। 7 गेंदों पे 23 रनों की आवश्यकता है। ओवर की आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है, पहुंचेगा आसानी से मात्र 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति होगी। 97 रन टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 1 ओवर में 22 रन की आवश्यकता है जीत के लिए। क्या ये बना पाएगी ये नहीं, आप बताइएगा जरूर दोस्तों। 6 गेंदों पे 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। तो अगर जीतती है मुकाबला तो कमेंट जरूर कीजिए, आउट हो जा रहे करण शंकर, किसको आउट करा रहे हो मेरे भाई। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो। आपको ऐसी लाइव हिंदी कमेंट्री सुनने को वो मिलेगी हमारे द्वारा। जितने भी लोग हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़े हैं, आज हमारे चैनल पे आए हैं, आखिरी ओवर बचा हुआ है, आखिरी ओवर देखते हैं किससे कराते हैं यहाँ पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 97 रन टीम का स्कोर। हेनरी यहाँ पर इस टाइप में मौजूद है। अब मॉरिशियंस आए हैं, पहला ओवर ले गए अपना और इनका आखिरी ओवर भी होगा। देखते हैं क्या अपनी टीम को जीत ला पाते हैं अपने ओवर से। 22 रन चाहिए इनको 6 गेंदों पे जीत के लिए। हेनरी स्ट्राइक पे मौजूद है और पहली गेंद कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन मिलेगा। और ब्रिंजमन वापस आते हैं स्ट्राइक पे। यहाँ पर अगर ब्रिंजमन का विकेट निकाल ले जाते हैं तो काफी यहाँ पर मदद मिलती है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 80% मुकाबला जीत जाएगी। बस एक विकेट की आवश्यकता है इनको जीत के लिए। अगर एक विकेट और निकाल पाते हैं ये, तो क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर विकेट मिल पाएगी इनको कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल 7.1 गेंद हो चुकी है, 5 गेंदों पे 21 रनों की आवश्यकता है। 18 रन एक विकेट के नुकसान पे यहाँ पर वॉरियर्स का स्कोर। और की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर ब्रिंजमन ने लगा दिया है 6 रन, क्या बात है, नो बॉल और 6 रन का इशारा अंपायर का, अंपायर का नो बॉल का भी इशारा, मतलब टोटल 7 रन मिले हैं इस गेंद पे। 7 रन मिले हैं दोस्तों। अब जीत के लिए चाहिए 5 गेंदों पे 14 रनों की आवश्यकता है। जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। 53 रन पे पहुंच चुके हैं 19 गेंदों पे। एक सौ पांच रन एक विकेट के नुकसान पे 7.1 गेंद के बाद। और ब्रिंजमन वापस से स्ट्राइक पे मौजूद है।
तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ओवर की दूसरी गेंद, फुल टॉस गेंद है, इस बार कवर्स के ऊपर से बॉल गई चौका, वन बाउंस 4 रनों के लिए। ब्रिंजमन की खतरनाक है यहां पर बल्लेबाजी होते हुए, 20 गेंदों पे 57 रन पे पहुंच चुके हैं। यहां से अगर वॉरियर्स जीतती है तो पूरा श्रेय यहां पर ब्रिंजमन को जाता है दोस्तों। 22 रन चाहिए थे इस लास्ट ओवर में और 4 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग हैं चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया। तो यॉर्कर लंगेद और विकेट निकाल लिया है यहाँ पर, अपील तेज लेकिन अंपायर ने नकारा दोस्तों, अपील थी LPW का लेकिन अंपायर ने नकारा। क्या बात है, काफी ज्यादा करीबी मामला था। क्या बात है यार, अब 3 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता है, क्या यहां पर 3 गेंद निकाल पाएंगे, 3 गेंद बचा पाएंगे रन। ओवर की चौथी गेंद, ब्रिंजमन स्ट्राइक पे है एक बार फिर से, एक और बेहतरीन गेंद, एक और बेहतरीन गेंद, क्या बात है यहां पर एवेशन समझाते हुए। दो गेंदों पे अब 10 रनों की आवश्यकता है दोस्तों, 109 रन टीम का स्कोर हमें देखने को मिलता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। 2,241 सब्सक्राइबर्स हैं, 2,500 सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों, 60 सब्सक्राइबर्स फटाफट से एक साथ कर दीजिए। ओवर की पांचवी गेंद और गेंद हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद है, बेहतरीन कैच, क्या बात है, ब्रिंजमन का विकेट मिलता हुआ, और विकेट निकाल लिया है दोस्तों यहां पर ब्रिंजमन का, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और मुकाबला भी जीत चुकी है, क्या बात है, बेहतरीन कैच हमें देखने को मिला यहां पर बाउंड्री के पास। वापिस जाते हुए पेवलियन की तरफ, 57 रन बनाकर 23 गेंदों पे मात्र 259 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है इन्होंने, 109 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे नया बल्लेबाज मैदान पे आता हुआ। डेली लाइव पूल आते हुए बल्लेबाजी बल्लेबाजी के लिए, एक गेंद पे 10 रनों की आवश्यकता है। जितने भी लोग चैनल पे दोस्तों नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया तो। ओवर की आखिरी गेंद और शो बॉल हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद है, इसी के साथ मैच की समाप्ति, 110 रन टीम का स्कोर और 9 रन से जीत हासिल करती है यहां पर TGS, 8 रन से मुकाबला जीतती है TGS। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया दोस्तों, आपको ऐसी लाइव हिंदी कमेंट्री सुनने को मिलेगी, और 12 बजे बात की जाए।
तो एक और मुकाबला है, उसको मैच को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए। तो एक साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी लाइव हिंदी कमेंट्री सुनने को देखने को मिलने वाली है। तो सांसें इतना नहीं छोड़ी।